हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खाना क्लासिक। आई होप आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत के साथ हैं और बहुत सारी अच्छी सेहत के साथ हैं। आज की इजी और चिल्ड सी रेसिपी है डिज्नी फेमस डोल विप। मेरी तरह बहुत सारे लोग जो डिज्नी नहीं गए, ऑल्दो मैं डिज्नी से सिर्फ आई थिंक 10 घंटे की या 8 घंटे की ड्राइव पर रहती हूँ, ये उनके लिए है। और समटाइम्स दिस ईयर डिज्नी ने इसकी रेसिपी एक्चुअली शेयर की, और जिन लोगों को अंदाज़ा हो या जिन्होंने सुना हुआ उनको पता होगा कि इट्स अ वेरी फेमस रेसिपी। डिज्नी डोल विप इज़ वेरी फेमस एंड इट्स एक्चुअली रियली ईजी। आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑल दो इंटरनेट पे बहुत सारे डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, बट दिस इज़ द ऑथेंटिक ओरिजिनल वर्जन अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर्स पोस्ट। ऑलराइट, सो हमें चाहिए 1/2 कप पाइनएप्पल जूस, ठीक है, और साथ में हमें चाहिए 2 कप फ्रोजन पाइनएप्पल्स, जो स्लाइस्ड पाइनएप्पल चंक्स में मिलते हैं मार्केट के अंदर वो। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो अपने ग्राइंडर के अंदर बीट करके इसको स्ट्रेन किया है, और मैं अभी दिखाऊंगी कि वो क्यों किया। और साथ हम लेंगे वनीला आइसक्रीम, आप कोई भी आइसक्रीम ले लें अपने चॉइस का ब्रांड फ्लेवर। और ये है जी मेरे पास न्यूट्री बुलेट, मेरा ब्लेंडर, आप कोई भी ब्लेंडर जो आप घर में यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। चूँकि हमने ऑलरेडी हमारे पाइनएप्पल का जो चंक्स हैं उनको हमने बीट कर लिया हुआ है, हमें टेंशन नहीं होगी। आपका बीटर जैसा भी है, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है, बहुत मीडियम साइज, जैसे टिपिकल हम मिल्क शेक के लिए पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, तो कोई भी जो आप यूज़ कर रहे होंगे इट्स टोटली फाइन। लेकिन हमने पाइनएप्पल को पहले बीट करना है, स्ट्रेन करना है, एंड आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो नाउ हियर इज द टाइम टू नो द सीक्रेट। अच्छा जी, अब होता ये है कि जो तो पाइनएप्पल चंक्स हम आमतौर पर रूटीन में यूज़ करते हैं, हम उसको चबाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर रेशा है, ठीक है। मगर मैंने ये चीज़ बनाई और मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि इसका जो स्मूदी टाइप आप फ्लोट टाइप बनाने की कोशिश करेंगे, फ्लोट में तो एक्चुअली पाइनएप्पल जूस नीचे होता है, तो उसमें रेशा आपके मुँह में आता है, वो आपको बहुत तंग करता है। नाउ दिस इज़ द सीक्रेट, टेक दीज पाइनएप्पल स्लाइसिस, ब्लेंड दम इन अ ब्लेंडर, वो लिटरली एक स्मूदी की तरह बन जाएगा, और लाइक सो, यू नो, सी। और हम यहाँ इसको स्ट्रेन करेंगे अपनी छलनी के अंदर, आपको कांटा यूज़ करना पड़ेगा और उस कांटे से जो है वो आप इसको स्ट्रेन करते जाएंगे, ठीक है। ये रेशा देख रहे हैं आप, ये रेशा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जब ये आपके मुंह में आता है ना स्मूदी, जब आप स्ट्रॉ से पी रहे होंगे, इट इरीटेट्स यू सो बैड के इट रूइंस द होल थिंग। उसकी वजह से मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड, और मैं उसका एक और हिस्सा आगे बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको जो है वो अपने किसी भी ब्लेंडर में सिंपल खाले चंक्स को, अभी फ्रीज़ नहीं करना हमने उनको, रूम टेम्परेचर पे होंगे, आपने उसको अपने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेना है, और फिर यूँ छलनी में अपने कांटे से उसको हिला हिला के उसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको स्ट्रेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बड़ी जल्दी ये हो जाता है, और ये कोई ऐसा वो हेडेक नहीं है कि आपको कि ओ नो, यू नो व्हाट, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप, नो इट्स एब्सोल्युटली नॉट एन एक्स्ट्रा स्टेप। यू सी कितना ये पल्प है, जो सिर्फ ये रेशा रेशा है जो इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, और स्मूथ सा सिल्की सा जो हमारा रिमेनिंग पल्प है उसको हम रखेंगे और उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये है जी हमारा पल्प, और इसको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने अपने ब्लेंडर के अंदर डाला 1/2 कप पाइनएप्पल जूस, और वही जो मैंने 2 कप आपको अभी दिखाया पल्प जो मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैंने तकरीबन यूज़ की है 2 अच्छे सॉलिड स्कूप्स इंस्टेड ऑफ 1। इनसाइडर्स रेसिपी टेल्स यू टू यूज़ 1 बिग स्कूप, बट मेरा चूँकि स्कूप छोटा था, मैंने तकरीबन 2 बड़े ठीक ठाक वाले डाले हैं। नाउ द सीक्रेट, अनदर सीक्रेट इज़, अब अगर आप इसको आइसक्रीम की तरह लिटरली जैसा आपको पिक्चर्स में मिलेगा, गूगल करके देख लीजिएगा, आपको जैसा ये पिक्चर्स में मिलेगा, अगर आपको तो ये आइसक्रीम की फॉर्म में चाहिए, फिर तो आप अपना जूस कम डालिएगा, 1/2 कप की बजाय 1/4 कप कर दीजिएगा, फ्यू टी स्पून कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसको ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड आप इसको करेंगे ज़रा अच्छी तरह, ठीक है, अगर आपको एक बार रोक के चम्मच के बीच में हिलाना पड़ जाए तो आप हिला सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 1/2 कप था पाइनएप्पल जूस तो वो ऑलरेडी रनिंग था। ये है इसका टेक्सचर, ये है स्मूदी टेक्सचर अब, ठीक है, आप चाहे इसी को फ्रीज़ कर लें, बट मैंने चूँकि इसको सी एज अ स्मूदी सर्व करना था, मैंने इसको एज अ स्मूदी यूज़ किया एंड इट वॉज सो गुड। आप इसको एक अनदर वनीला स्कूप डाल के सर्व कर लें, मैंने थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स और चेरी पीस ऊपर लगाया है, आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर लें, इसको आइसक्रीम की तरह खा लें, बट दिस इज़ सो यमी एंड रिफ्रेशिंग।
I'm sure when you have this, you will love it. So let me know how you like the recipe, and thank you so much for watching.